सब्सक्राइब कीजिए टेक बाइट चैनल को और क्लिक कीजिए बेल आइकन पर लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हाय गाइस, आज से हम एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं HTML के ऊपर। तो ये हमारा पहला वीडियो है जिसमें हम HTML के इंट्रोडक्शन को देखेंगे। HTML का यूज जो है वेब डिजाइनिंग में किया जाता है। ये हमारा पहला लैंग्वेज होता है वेब डिजाइनिंग का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। व्हाट इज HTML? HTML स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसकी फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होती है। HTML आपका कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ये आपका मार्कअप लैंग्वेज होता है। HTML के जो कोड्स होते हैं वो केस सेंसिटिव नहीं होते हैं। इसके कोड को आप किसी भी फॉर्मेट में लिख सकते हैं, चाहे कैपिटल में, चाहे स्मॉल में, किसी भी फॉर्मेट में। HTML के जो टैग होते हैं वो डिफाइन किए जाते हैं वेब पेजेस को बनाने के लिए। यानी हम HTML के जितने भी कोड हम लिखेंगे वो टैग्स के जरिए लिखे जाते हैं और ये टैग्स आपके वेब पेजेस को बनाने के लिए किए जाते हैं। अभी जो करेंटली जो हमारा HTML का जो वर्जन चल रहा है वो HTML 5 है। इसके अलावा HTML का कुछ रिक्वायरमेंट है, यानी आपको HTML का कोडिंग को करने के लिए आपको कुछ चीजों की जरूरत पड़ती है, जिसमें कि हमारे एक टेक्स्ट एडिटर की रिक्वायरमेंट होती है। यानी HTML के कोड को लिखने के लिए आप नोटपैड, नोटपैड प्लस प्लस, ये सब लैंग आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आपको एक वेब ब्राउजर की रिक्वायरमेंट होती है, क्रोम, मोजिला, फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर, कुछ भी आप यूज कर सकते हैं। HTML टैग्स। HTML के जो टैग्स होते हैं वो आपके एंगल ब्रैकेट्स के अंदर लिखे जाते हैं और इस ये आपके पेयर्स में आते हैं, जैसे कि स्टार्ट टैग और एंड टैग। आप देख सकते हैं कि इमेज के यहाँ पे आपको एक दो टैग दिए हुए हैं, जैसे H1 का एक टैग है और यहाँ पे भी एक H1 का टैग है। ये जो दोनों टैग्स हैं ये आपके एक स्टार्ट टैग है, ये जो जो स्टार्टिंग में लगा हुआ है हमारा स्टार्ट टैग है, और जो एंड में लगा हुआ है ये हमारा एंड टैग है। स्टार्ट टैग और एंड टैग को हम ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग भी कह सकते हैं। तो चलिए HTML के पेज का स्ट्रक्चर देखते हैं कि HTML के पेज का जो स्ट्रक्चर होता है वो किस टाइप का होता है। तो ये आपके सामने HTML के पेज का स्ट्रक्चर है। यहाँ पे आपको कुछ कन्फ्यूजिंग अगर हो तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब हम आगे कोडिंग करेंगे तो वहां पे आपको ये सारी चीजें एग्जैक्टली क्लियर हो जाएंगी। तो मैं सिर्फ यहाँ पे आपको सिर्फ डिफाइन करना चाहता हूँ कि ये जो टैग्स हैं वो हम इन टैग्स का यूज क्यों करते हैं और कहाँ पे करते हैं। तो सबसे पहले जो आपका टैग आएगा वो आपका डॉक टाइप HTML है। ये टैग आपके HTML के वर्जन को दर्शाता है। अगर आप डॉक टाइप HTML लिखते हैं तो इसका मतलब है कि आप HTML 5 का जो वर्जन है वो आप यूज कर रहे हैं। इसके बाद जो आप देख सकते हैं कि जो अगला टैग है वो हमारा HTML है। यहाँ पे हमारा HTML का एक टैग लगा हुआ है और एक सबसे लास्ट में HTML का टैग लगा हुआ है, लेकिन जो नीचे जो लगा हुआ है वो आपका विद स्लैश के साथ है। मतलब कि आपका यहाँ पे जो HTML है वो यहाँ पे HTML का कोड आपका स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे जो आपका HTML का कोड है वो एंड हो रहा है। इन दोनों टैगों के बीच में आपका सारा का सारा टेक्स्ट जो जितने भी कोडिंग्स है वो सारी की सारी कोडिंग इन्हीं HTML टैग्स के बीच में लिखा जाता है। इसके बाद जो है हमारा हेड टैग है, यहाँ पे आपका हेड टैग देख सकते हैं और इस हेड टैग के यहाँ पे हमारा हेड टैग जो है वो क्लोज है और इसके बीच में एक टाइटल का टैग लगा हुआ है। यानी आपके हेड सेक्शन के अंदर आपका टाइटल टैग आता है और ये टाइटल टैग आपके वेब पेज के टाइटल को दर्शाता है। इसके बाद आप इसके अलावा भी आप हेड टैग के अंदर कुछ और टैग्स लगा सकते हैं, जैसे कि आपके पास CSS का पेज है या JavaScript का पेज है तो उन पेजों का लिंक आप हेड सेक्शन के अंदर यूज करेंगे। इसके बाद जो अगला टैग है वो हमारा बॉडी टैग। बॉडी टैग हमारा देखिए अब यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे और एक यहाँ पे क्लोज हो रहा है और इसी बॉडी टैग्स के अंदर सारा का सारा हमारा कंटेंट जो है वो लिखते हैं, चाहे वो टेक्स्ट हो, चाहे वो इमेज हो, चाहे ऑडियो वीडियो, कुछ भी। आपका सारा का सारा कोड जो है वो इन्हीं बॉडी टैग के बीच में लिखा जाता है। तो ये था हमारा HTML के पेज का स्ट्रक्चर।
तो गाइस अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही टैक्स रिलेटेड वीडियो आपके लिए लेकर आता रहूंगा। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी कंफ्यूजिंग हो, कोई चीज समझ में ना आया हो, तो प्लीज आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मुझे खुशी होगी आपके कमेंट का रिप्लाई करते हुए। तो मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।